अपने पहले वीकेंड के वार में ही आशिका भाटिया काफी इमोशनल हो गई हैं। दरअसल वीकेंड के वार में सभी घर वालों को एक टास्क दिया गया था जिसमें कड़वी जुबान, पलटू, धोखेबाज, घमंडी और बोरिंग के टैग के साथ पांच जोश रखे गए थे। इस दौरान जया शंकर ने आशिका भाटिया को बोरिंग का टैग दिया जिस पर आग बबूला होकर आशिका भाटिया वीडियो में कहती नजर आई, 3 दिन में मुझे 0 मिला है, आप 30 दिन से यहाँ हो तब भी 0 ही हो। इस दौरान घर वालों के टैग दिए जाने पर आशिका भाटिया फुट फुट कर रोती नजर आई है। वीकेंड के बार में जहां कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह की जोड़ी ने कॉमेडी का तड़का लगाया तो वहीं घर वालों को टास्क भी मिला जहां उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री आशिका भाटिया और एलविस यादव में से गेम में से सबसे कम योगदान देने वाले को 0 का टैग देना था। इस दौरान ज्यादातर घर वालों ने आशिका भाटिया का नाम लिया है। ये बात सुनने के बाद आशिका बुरी तरह से टूट गई और टास्क के दौरान फपक फपक कर रोने लगी। इस दौरान घर वालों का बर्ताव देखकर पूजा भट्ट ने आशिका भाटिया के लिए स्टैंड लिया और उन्हें मॉक करने वाले कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाई। पूजा भट्ट ने कहा कि यहाँ लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं जो काफी बुरा है। वहीं पूजा भट्ट इस दौरान एलविस यादव से रिक्वेस्ट करती हुई नजर आई हैं कि वो सजा को पूरा करें। 0 का टैग मिलने के बावजूद घर वालों ने सजा भुगतने के लिए एलविस यादव को चुना। दरअसल घर के कैप्टन के अलावा अब एलविस यादव को घर वालों के पर्सनल काम भी पूरे करने होंगे। दोस्तों बिग बॉस ओटीटी हाउस में आपको एलविस यादव का अंदाज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।